हेलो असल माई यूट्यूब वेलकम माय यूट्यूब चैनल अहमद एंड सुनारा मूवमेंट और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से घर में जो है वह स्क्रब कर सकते हैं किस तरीके से घर में कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों आप घर में ही अपनी स्किन की जो है वो एक्सपोलिएट कर सकते हो बहुत सारे अगर आप देखोगे एक्सपोलिएट करने के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही महंगे हैं और आप घर में अपने किचन में अगर अगर आपके पास बॉटल फॉर्म में नहीं है तो आप जो है वो पंद्रह रुपए का आई थिंक इस टाइप का कुछ शाशा मिलता है आप सिर्फ उससे जो है वो घर बैठे स्क्रब कर सकते हैं तो दोस्तों आप स्क्रब किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी पर इससे पहले आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना होगा मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो तो मैं आपको पहले भी जो है वो कॉफी से जो है वो मास्क बनाना बता चुकी हूँ कि आप किस तरीके से कॉफी से मास्क बना सकते हैं बट आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कॉफी की हेल्प से किस तरीके से अपने स्किन की स्क्रबिंग कर सकते हैं और अपने स्किन को एक्सपोलिएट कर सकते हैं तो स्क्रब बनाने के लिए जो है वो आपको जो है वो कॉफी की जरूरत है और दूसरा जो है वो शुगर की जरूरत है और इन दोनों का मिक्सचर तैयार कर जो है आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से जो है वो स्क्रबिंग कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को टाई कर लेती हूँ सबसे पहले अपने हेयर्स को जो अच्छी तरीके से टाई कर लिया है ताकि कोई भी छोटे छोटे बाल जो वो मेरे चेहरे पर ना आए ठीक है और यहाँ पर जो है वो मैंने अपना कॉफी जो है वो स्क्रब जो है वो तैयार कर लिया है और यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं तो दोस्तों इस स्क्रब को जो है वो आपको फाइव मिनट्स तक अपने स्किन पर जो है वो करना है दोस्तों मैं आपको टाइम इसके लिए कम बताती हूँ हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो होती है तो फिर इतना भी नहीं करना चाहिए कि हमारी स्किन जो है वो हार्म हो जाए टेंशन तो दोस्तों मैंने अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया है ठीक है और इसके बाद आपको ये करना है कि अरे हम लोग जो है वो स्क्रब कर रहे होते तो हमारी डैड स्किन जो होते हैं हमारे पोर्स जो होते हैं तो ज़्यादा उससे डर्ड और ये सब कुछ निकल जाता है और हमारी स्किन जो है वो क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि टॉनर यूज़ ज़रूर करना है ताकि हमारे जो है वो पोर्स जो है वो बंद हो जाए तो मैं आपके साथ आज जो है वो टॉनर का भी रिव्यू देने जा रही हूँ मैंने एक न्यू टॉनर लिया है डॉक्टर वशील का आप यहाँ देख सकते हैं और इसकी जो बाहर की पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके से है ठीक है और आप यहाँ देख सकती हो और गार्डन से यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में मैंने सुना था इसके अंदर जो है वो आर्गन ऑयल जो है वो मौजूद होता है और ये जो है वो मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है आपके जो लार्ज पोर्स होते हैं ठीक उसको कई हद तक जो है वो कम करता है और, और इसके पीछे जो है वो सारे इसके बेनिफिट्स सब कुछ लिखे हुए हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स है आपके स्किन को रिपेयर भी करता है साथ साथ जो है वो आपकी डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है साथ साथ में आपको अंदर की पैकेजिंग भी बताती चलू कि किस तरह से बॉटल हाँ की कुछ बॉटल है ठीक है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कांच की बॉटल है और परफ्यूम बॉटल टाइप होती है इस तरीके से है इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है ठीक है आपको जो है आप चाहे तो कॉटन पैड से या टिश्यू से भी जो है वो आप अपनी स्किन पर जो है वो टैप टैप कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे फिंगर टिप्स यूज़ कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स ले रही हूँ ठीक है और इस तरीके से टॉनर यूज़ कर रही हूँ दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से घर में बैठ के जो है वो स्क्रबिंग कर सकते हैं और मैंने आपको कॉफी से भी बताया है कि किस तरीके से मास्क अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों वो वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आप इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको जो है ये वीडियो देखने को मिलेगी लड़कियां नहीं लड़के भी साथ साथ यूज कर सकते हैं जैसे मेरे कजन ने यहाँ बोला था कि आप जो आप जो है वो लड़कियों के बारे में ही बताते हो तो हम कैसे देखेंगे तो लो जी मैंने आप लोगों के लिए भी बता दिया है कि ये लड़कियां नहीं इसे लड़की के भी यूज कर सकते हैं इवन चाहे वो मैंने कॉफी मास्क बताया था या तो आज मैंने जो है वो कॉफी स्क्रब बताया तो आप जरूर यूज कीजिएगा सीरियसली अगर आप ये स्क्रब यूज करोगे ना सीरियसली उसके जो तो शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे आप जो है वो कर रहे होते हो तो आपकी जितनी भी स्किन की जो डैड स्किन होती है ना वो एक तो रिमूव हो जाती है साथ साथ आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट हो जाती है हम इतने पैसे देकर जो पार्लर से करवा रहे होते हैं ना आप घर में बैठ के भी इसे ट्राई कीजिएगा और यूज कीजिएगा मुझे जरूर शेयर कीजिएगा इसके रिजल्ट्स और दो साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो मैं खुद अपने पहले अप्लाई कर रही हूँ ठीक है अगर मुझे ठीक लगता है तो मैं आपको बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस और साथ साथ मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ वहाँ पे मैं ये कहीं नहीं कह रही कि आप जो है वो गोड़े हो जाएंगे चिट्टे हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है गाइस मेरा सिर्फ जो कॉन्टेंट होता है उसमें बताने का मकसद ये होता है कि आप अपनी स्किन की क्लियर कैसे, कैसे कर सकते हो स्किन को क्लीन कैसे कर सकते हो आपकी स्किन के जो डर्ड होता है उसे कर किस तरीके से हटा सकते हो कहीं मैंने ये नहीं कहा कि आप किस तरीके से जो वो गोरे हो सकते हो और मैं कभी गोरे होने की चीजें कभी भी नहीं बताऊंगी जितनी वेटिश स्किन होती है ठीक है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है इवन मेरी खुद की कोई गोरी चिटी स्किन नहीं है अगर आपको यहाँ पर लग रही होगी मेरा खुद का जो टॉन है वो वेटिश टॉन है ठीक है और आई थिंक वेटिश टॉन के ऊपर जो मेकअप होता है आप सोच नहीं सकते हो वहाँ पे जो गोरी स्कैन वाले होते हैं ना उनका भी कोई काम नहीं होता और जब इन्वेटेज स्कैन वाले होते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं तो सिर्फ मेरा कंटेंट ये है कि आपको अपनी स्किन केयर कैसे करनी है ना कि गोरा ओके तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफि